दोस्तों, मैं आज बाइक जो होता है टाइमिंग, उसका तरीका बताने जा रहा हूँ। ये तरीका कोई भी गाड़ी का, जैसे जिसमें टाइमिंग आता है, टाइपिट आता है, उसमें आप कैसे उसको टाइमिंग मिला सकते हो, तरीका मैं बताऊंगा। पहले आप ये देखिए, बाइक का भी है, बाइक का जो तरीका बताऊंगा उससे तरीका आप कोई भी गाड़ी में यूज कर सकते हो। अभी आपको उसमें बता रहा हूँ मैं। ये देखिए, अभी टाइमिंग आपको कैसे सेटिंग करना है उसका तरीका बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, पिस्टन टॉप पे है, पिस्टन मतलब ऊपर है। और कभी भी देखेंगे तो आपको इसमें, जैसे कोई भी गाड़ी में टी लिखा रहता है, टी का मतलब टॉप पे, टॉप ये पिस्टन टॉप पे रहता है। एक तरीका है, पहले अब जैसे आपने पिस्टन ब्लॉक खोल के उसका काम करने जा रहा, उसका इजी से काम हो सकता है। इसको टॉप पे रखना चाहिए ऊपर। और जो होता है, ये हो गया ब्लॉक का काम। अभी आपको हेड का बताने जा रहा हूँ मैं। ये आ गया आपके पास हेड, हेड का बता दे रहा हूँ आपको, बराबर समझ में आज आप लोग को आ जाएगा। अभी मैं इसको फिटिंग नहीं कर रहा हूँ, फिटिंग करने से पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप बराबर इसको इसी तरीके आप गाड़ी का बराबर टाइमिंग मिला सकते हो। अभी देखिए, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये देखिए पूरा फ्री रहता है। और जो दोनों चिड़िया है या टाइपिड आप क्या बोलते हो, उसका बोलने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ये जो चीज़ है तो फ्री रहना चाहिए। इसको कैम शेप कोई बोला जाता है, कोई रोकर बोलता है, तो इसको फ्री रहना चाहिए। जैसे पिस्टन मैंने आपको टॉप पे बताया, पिस्टन टॉप पे रखना चाहिए। अगर नहीं तो आपको टी पे रखना चाहिए, अगर आपको चेक करना है तो टी पे। और इसका ऐसे बैठाने का तरीका अभी आपको ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, मैं फिटिंग करूँगा फिर बताऊँगा आपको। ये देखिए, इसमें देखो दोनों तरफ खाँचा है, तो ये जो खाँचा इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, इसके एकदम बराबर रहना चाहिए। ये दोनों अंदर का जो खाँचा दिख रहा है गियर का, वो बराबर रहना चाहिए। दिखा दे रहा हूँ आपको निकल के वापस। ये देखिए, एक दो बना हुआ एरो टाइप बना हुआ है, देखिए दोनों तरफ, इधर भी बना हुआ, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो इसको इस तरफ सेटिंग करना चाहिए, पिस्टन को टॉप पे लेके। इस तरीका टाइमिंग इसका जो होता है, सेटिंग करने का तरीका ये है। अभी मैं इसको पूरा फिटिंग कर दूंगा, फिटिंग करने के बाद फिर आपको बताऊंगा कि वापस रिपीट कर दूंगा मैं कि इसको मैंने कैसे बैठाया हूँ। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पिस्टन टॉप पे रहना चाहिए और एरो जो बना हुआ है, एरो ऐसे रहना चाहिए। कोई भी गाड़ी में एरो जो बना हुआ रहता है, कभी इधर साइड में रहता है, कभी जो स्प्लेंडर रहता है वो बीच में इधर रहता है, सामने दिखता है, तो उसको सामने रहना चाहिए। तो दूसरी कोई पल्सर है, दूसरे एक्टिवा है, सबका ये जो गियर होता है, खाली इसका जो मार्किंग होता है वो अलग अलग होता है। देख लीजिए दोस्तों, मैं पूरा फिटिंग कर चुका हूँ। अभी खाली इसका टाइमिंग का जो होता है, इसका जो मैंने देखो पूरा जैसे बताया था उस तरीके मैंने किया हूँ। और इसका जो होता है ऊपर का जो चिड़िया है, देखो पूरा थोड़ा हल्का से ढीला रहना चाहिए। ये देखिए, इससे थोड़ा ढीला रहना चाहिए। एक तरीका है, ये जैसे आपको पिस्टन टॉप पे और जो चिड़िया या टाइपिट जो आप बोलते हो उसका ढीला, जैसे ढीले पिले रहना चाहिए, जैसे एकदम ज़्यादा पिले भी नहीं रहना चाहिए। टाइट ज़्यादा रखोगे तो गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम देगा। और इसी तरीके इसको भी बैठा सकते हो पिस्टन टॉप पे। और ये जो मार्किंग है, मार्किंग किसी गाड़ी में ऐसे रहता है, किसी का गाड़ी का जो मार्किंग होता है, इधर थोड़ा सा बूंद निशान बना हुआ रहता है। जो गाड़ी का ऐसे मार्किंग बना हुआ है ऐसे वाला, तो उसको ऐसे रखना चाहिए। जो गाड़ी इधर जो पड़ना हुआ थोड़ा निशान हल्का से, उसको ऊपर रखना चाहिए पिस्टन टॉप पे। इस तरीका इसको कर सकते हो। अभी ये वीडियो के अंदर आपको मैं और एक तरीका बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको अगर निशान नहीं पड़ रहा है तो क्या करना चाहिए, जो स्पार्क प्लग होता है वो खोल के उसको भी आप देख सकते हो कि कैसे इसको सेटिंग किया जाए। जो जैसे आप इसका तरीका आपको बता दे रहा हूँ, पहले दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। अभी मैंने स्पार्क प्लग खोल लिया हूँ। स्पार्क प्लग के अंदर जो होता है, स्क्रू ड्राइवर में डाल रहा हूँ। ये देखिए, कभी क्या करना चाहिए अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा, ये जो स्क्रू ड्राइवर मैंने डाला हूँ, आप जब जैसे आप मैग्नेट पकड़ के घुमाओगे तो ये स्क्रू ड्राइवर एकदम टॉप पे आ जाएगा। ज़्यादा अंदर नहीं डालना, खाली इसको ऐसे हल्के से पकड़ के
टॉप पे लेके आना चाहिए। टॉप मतलब पिस्टन ऊपर, उसको बोला जाता है टॉप पे। तो स्क्रू ड्राइवर भी डाल के आपको चेक कर सकते हो। और ये प्ले, ये देखिए थोड़ा सा प्ले रहना चाहिए। इसी तरीका आप कोई भी बाइक, कोई भी स्कूटर, इसी तरीका आप सेटिंग कर सकते हो जिसमें टाइपिड टाइमिंग चैन है, जिसमें जो टू स्टॉक उसमें नहीं आता है, फोर स्ट्रोक गाड़ी होता है, जो फोर स्ट्रोक में सब फोर स्ट्रोक में गाड़ी में आता है टाइमिंग चैन। तो इसी तरीका आप अपनी गाड़ी का सेटिंग इजी से कर सकते हो। जो नया, जैसे जो मैकेनिक नया बन रहे हो, वो तरीका यूज कर सकते हैं। जूनियर वाले को तो मालूम है टाइमिंग कैसे सेटिंग किया जाता है। ये जब जो वीडियो बनता है, पहले वीडियो में जितना चीज़ मैंने बताया हूँ, चीज़ को सब इस्तेमाल करो। जैसे सब चीज़ करोगे तो आपको बराबर परफेक्ट मालूम पड़ेगा। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपको बराबर परफेक्ट मालूम नहीं पड़ेगा। इसी तरीके आप अपनी गाड़ी का इजी से टाइमिंग सेटिंग कर सकते हो।